नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एचएस ठाकुर। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचपी सिलेक्शन बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजेक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, सेकेंड ऑप्शन है द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और फोर्थ ऑप्शन है आपका द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है द पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या इसकी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भारतीय संविधान के जो मूलभूत कर्तव्यों का समावेश है वो किसके द्वारा किया जाता है या किस खंड में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पार्ट थर्ड, मतलब खंड थर्ड में है, या फोर्थ में है, या फोर्थ ए में है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका या फिफ्थ में है, पार्ट फिफ्थ में है। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट फोर ए में है जो आपके मूलभूत कर्तव्य है उनका समावेश भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश लैंग्वेज ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकंड ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है आपका 22 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 लैंग्वेजेस को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो आपका किसी संवैधानिक संशोधन ने पहले पहल संविधान के दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो 51 अमेंडमेंट हुआ था उसमें, सेकंड ऑप्शन है 52 अमेंडमेंट, थर्ड ऑप्शन है 53 अमेंडमेंट और फोर्थ ऑप्शन है आपका 54th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है 52 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है दल बदल विरोधी प्रावधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन है आपका द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है 4 ईयर के लिए होते हैं, सेकंड ऑप्शन है 5 ईयर के लिए होते हैं, थर्ड ऑप्शन है 6 ईयर के लिए होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है आपका 3 ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बाय। मतलब जो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब संसद के द्वारा पारित अधिनियम। सेकंड ऑप्शन है एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश से, और फोर्थ ऑप्शन है आपका भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पे। तो इसका करेक्ट आंसर है
जो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है उसके आदेश से जो है लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा, मतलब जो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकेंड ऑप्शन है इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया जो होती है आपकी वो। थर्ड ऑप्शन है आपका सरकार को हटाने का, मतलब इन द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है इन मेकिंग कट मोशन, तो मतलब जो कटौती प्रस्तावों को बनाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया में जो है राज्यसभा को इक्वल पावर होती है लोकसभा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है किसकी अनुशंसा के आधार पर पद विमुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका चीफ जस्टिस होता है इंडिया का वो कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसके द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है मंत्रिमंडल द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका दोनों ही हाउस जो पार्लियामेंट के होते हैं उनके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों ही हाउस, जो टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर है, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल से पूर्व भी जो है पद विमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू विच ईयर इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा अनचेंजेबल, मतलब किस वर्ष तक जो है आपके लोकसभा की जो वर्तमान सदस्यता संख्या है वो अपरिवर्तनीय बनी रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2026, सेकेंड ऑप्शन है 2010, थर्ड ऑप्शन है 2020 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2050। तो इसका करेक्ट आंसर है 2026 तक जो है हमारी जो लोकसभा है जो उसकी सदस्यों की संख्या है वो अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी, सेकेंड ऑप्शन है बलिराम भगत, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण मेनन और फोर्थ ऑप्शन है जीवी मावलंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर जो थे हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डैश ईयर, फर्स्ट ऑप्शन है 25 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 30 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 40 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है आपका 45 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर न्यूनतम आयु जो है तय की गई है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है मद्रास, थर्ड ऑप्शन है बॉम्बे और फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता जो है, कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बलवंत राय कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957 टू, मतलब जो बलवंत राय कमेटी की रचना की गई थी 1957 में वो किस लिए की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग अबाउट चेंज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के औद्योगिक सेक्टर में परिवर्तन लाने हेतु। सेकंड ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुदृढ़ता करने की नीति निर्धारण करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है जो पंचायत प्रणाली है उसका अध्ययन करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है आपके न्यायिक सुधारों को लाने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर है टू स्टडी पंचायत सिस्टम, मतलब जो पंचायत प्रणाली है उसका अध्ययन करने के लिए बलवंत राय कमेटी का गठन किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ,
मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 58, सेकंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 64 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 65। तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ईयर में जो है वो रिटायर्ड होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो आंतरिक अस्थिरता के आधार पर पहले पहल आपातकाल की घोषणा की गई थी किस वर्ष? फर्स्ट ऑप्शन है 1962 में, सेकंड ऑप्शन है 1965 में, थर्ड ऑप्शन है 1975 में और फोर्थ ऑप्शन है 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1975 में जो है फर्स्ट टाइम आपातकाल की घोषणा की गई थी आंतरिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ द, मतलब इसका मीनिंग है हिंदी में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किस चुनाव में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड ऑप्शन है मेंबर ऑफ लोकसभा, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है आपका None of these। तो इसका करेक्ट आंसर है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में जो है अनुपातिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, मतलब राज्यसभा के अधिकतम अनुमत संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 240, सेकेंड ऑप्शन है 245, थर्ड ऑप्शन है 250 और फोर्थ ऑप्शन है 450। तो इसका करेक्ट आंसर है 250 जो है परमिसेबल स्ट्रेंथ है राज्यसभा के लिए मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीएस सर्कल इज द सॉरी इज कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द, मतलब जो आपका दुष्चक्र एक अवधारणा है जो सीधी संबंधित है किससे? फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्लॉयमेंट पोजीशन से, सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थर्ड ऑप्शन है स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की अवस्था से और फोर्थ ऑप्शन है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेल्थ मतलब जनसंख्या वृद्धि और संपत्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की अवस्था से जो है दुष्चक्र एक अवधारणा है या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी में, सेकंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, थर्ड ऑप्शन है जनेवा में और फोर्थ ऑप्शन है आपका रोम में। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ फोर्थ फाइनेंशियल कमीशन इज, मतलब जो आपका 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है या था? फर्स्ट ऑप्शन है 2005 से 10 तक, सेकंड ऑप्शन है 2010 से 15 तक और थर्ड ऑप्शन है आपका 2015 से 20 तक और फोर्थ ऑप्शन है 2000 से 2005 तक। तो इसका करेक्ट आंसर है 2015 से 20 तक है हमारा फोर्थ फाइनेंशियल कमीशन का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वाज नो 5 ईयर प्लान इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1966 to 69, द इमीडिएट रीजन फॉर सस्पेंशन ऑफ प्लानिंग वाज, मतलब जो 1966 से 69 के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना का परिचालन नहीं किया गया था, योजना के स्थगन का तत्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है सूखा या बाढ़ ड्रॉट्स एंड फ्लड, सेकंड ऑप्शन है चेंज ऑफ पॉलिसी आफ्टर नेहरू डेथ मतलब नेहरू के देहावसान के पश्चात जो नीति में परिवर्तन हो गया था, थर्ड ऑप्शन है चीन तथा पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव हो गया था वो, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी, मतलब बाढ़ और सूखा भी था
और चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव भी था, इस कारण हमने जो है 1966 से 1969 तक जो हमारी 5 ईयर प्लान थी या ऑपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसेक्स 2011 डैश हैज द मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार किस का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेघालय और फोर्थ है आपका नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव किसने खोजा। फर्स्ट ऑप्शन है कैप्टन जेम्स, सेकंड ऑप्शन है मैगलान, थर्ड ऑप्शन है अमर्टसन और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट पियरे ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद और फोर्थ ऑप्शन है आपका सामवेद। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं जो सबसे पुराना या प्राचीन वेद है हमारा या ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के 100+ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।